एवरी वन वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज एयर सो ट्रेडर सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से सो so, आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने बहुत साइडवेज मूवमेंट दी है आफ्टर द मॉर्निंग फर्स्ट फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट उसके बाद प्राइस बिल्कुल साइडवेज हो गई और मार्केट भी आज बिल्कुल साइडवेज हो गई तो आप अपना अगला प्लान क्या रहेगा उसको समझते हैं तो so, मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए हुए हैं यहाँ पर हम लोग इन्हीं लेवल्स को फॉलो करेंगे तो so, इस एनालिसिस को आप एज अ प्री मार्केट और दोनों आप यूज़ करने वाले हैं अब एक चीज़ आपको यहाँ समझनी पड़ेगी कि डाओ जोन्स जो है उसने एक ब्रेक दिया है ठीक है तो अगर ये डाउन रहता है उसके चक्कर में बिटकॉइन भी टूट रहा है सब कुछ है तो अगर ये आज गिरता है तो हमारी मार्केट में भी कल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और हमें नीचे का मूव मिलेगा तो अभी प्लान क्या रहेगा समझते हैं पंद्रह मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं अब देखिए अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट फॉर्म हो रहा है प्रॉपर ब्रैकेट फॉर्म हो रहा है और अगर आप थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूँ उस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और ब्रैकेट फॉर्म हो रहा है देख रहे हैं आप इधर एक प्रॉपर ब्रैकेट फॉर्म हो रहा है तो मार्केट क्या है एक रेंज के अंदर है राइट इतना तो आपको समझ में आ गया तो हमारा प्लान क्या रहने वाला है प्लान हमारा क्या रहेगा मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ तो हमारा बाय का प्लान रहेगा अगर प्राइस इसके ऊपर निकलती है हम तभी बाय करेंगे ये लेवल क्या है गाइस ये लेवल आपका फिफ्टी वन फाइव ट्वेंटी से लेके मतलब फ़ाइव फिफ्टी के ऊपर फिफ्टी वन फाइव फिफ्टी के ऊपर हम लोग अपनी बाइंग प्लान करेंगे ठीक है इससे पहले हम लोग बाइंग नहीं देखने वाले हैं पहला टारगेट हम यहाँ देखेंगे फिफ्टी वन सेवन फिफ्टी सेवन हंड्रेड के पास हम लोग पहला अपना टारगेट देखेंगे उसके बाद फर्दर लेवल्स बाइंग अपनी इतनी है इसके अलावा बाइंग हम लोग अभी नहीं करने वाले यहाँ पर मेनली जो मुझे समझ में आ रहा है मुझे सेलिंग गेम समझ में आ रही है कल अगर कोई ड्रॉप आता है और प्राइस पुल बैक देने के बाद कंटिन्यूशन देती तो यहाँ पर आएगी बहुत तगड़ी सेलिंग ओके एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेलिंग का जो लेवल होगा वो कम से कम यहाँ तक आएगा जो कि है फिफ्टी वन थाउजेंड ओके अब ये जो मैं लेवल्स आप लोगों को देता हूँ ना इसका एडवांटेज क्या है कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे अगर ये चीज़ होगी तो आप काम करोगे ये चीज़ नहीं होगी तो आप काम नहीं करोगे बस इतना सा खेल है ये हम लोगों को समझना है और हम कुछ नहीं देखने वाले हैं ओके एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ पर और क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ अगर प्राइस लेथ से इस जोन के पास थोड़ा घूम फिर के ऊपर निकलती है तो यहाँ पर एक यहाँ तक का टारगेट हो सकता है इसके अलावा और कुछ नहीं और ये सबसे लीस्ट होगा यहाँ पर आप अपनी कैपिटल कितनी लगाएंगे ट्वेंटी थर्टी परसेंट तो अगर आप दस लॉट में काम करते हैं तो आप दो से तीन लॉट में ही काम करेंगे बिकॉज़ ये इसके रिलायबिलिटी थोड़ी कम है क्योंकि बार बार ब्रैकेट फॉर्म धो रहे हैं और रिजेक्शन भी दबा के हो रहे हैं तो ये इसके रिलायबिलिटी कम है तो तीन प्लान्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं ओके अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी पे निफ्टी पे क्या प्लान है निफ्टी में अगर आप पहले डेली चार्ट देखेंगे गाइस तो डेली चार्ट आप देख सकते हैं एक एक्सटेंशन है काफ़ी सीधा सीधा एक्सटेंशन है मार्केट बिल्कुल ऐसे ऊपर चली गई है जनरली मार्केट का सबसे बेस्ट क्या होता है देखा आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट एकदम से ऐसे ऊपर चली गई एक झटका आया जब जापनीज न्यूज़ का यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने फिर बाइंग कर ली फिर मार्केट ऊपर चली गई अभी कोई बड़ी बात नहीं है फिर एक झटका लग जाएगा फिर यहाँ से बाइंग हो जाएगी ओके तो हो क्या रहा है अगर आप देखोगे ध्यान से ऐसे ठीक है मार्केट ऊपर ही जा रही है बट ये झटकों में डिप्स पे बहुत दबा के बाइंग हो रही है म्यूचुअल फंड सिप मनी सब दबा के आ रहा है तो और अगर आप यहाँ से देखेंगे ये बिल्कुल सीधी सीधी मार्केट है यह बिल्कुल सीधी सीधी मार्केट और मार्केट का अच्छा ट्रेंड हुए मार्केट को इस दिन के बाद से आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट ट्रेंड ही नहीं हुई है ठीक है आप अगर यहाँ से देखेंगे इधर से आप देखिए मार्केट में एक प्रॉपर दो तीन परसेंट या डेढ़ दो परसेंट का दिन नहीं आया है जो मार्केट एक बारी में ट्रेंड करो बहुत अच्छी तरीके से तो अगर आप देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह पंद्रह दिन हो गए ऑलमोस्ट मार्केट को ट्रेंड करे उससे पहले भी मार्केट सात आठ दिन साइडवेज थी ब्रेकआउट ये ब्रेकआउट होने के बाद गैप गैप में चल रही है फिर गैप वालों को काट रही है यहाँ पर तो यही सीन चले जा रहा है बार बार अब पंद्रह मिनट पर आते हैं पंद्रह मिनट पर निफ्टी को समझते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास लेवल्स हैं सबसे पहला लेवल्स हमारे पास जो आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका रहने वाला है ये लेवल ठीक है ये लेवल रहेगा ये ट्वेंटी फाइव थ्री हंड्रेड का लेवल है, थोड़ा नीचे आ जाता हूँ ट्वेंटी फाइव थ्री हंड्रेड जब तक प्राइस इसको क्रॉस नहीं करेगी हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं उसके बाद दूसरा लेवल है ये ट्वेंटी फाइव में एक सेकेंड राउंड नंबर है ट्वेंटी फाइव वन हंड्रेड एक लेवल ये है एक लेवल बीच में आता है बीच में कौन सा लेवल आता है बीच में आता है ये लेवल ठीक है तो हमारे पास तीन लेवल आ रहेगा इस ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव वन हंड्रेड मार्केट इन्हीं के बीच में घूमे जा रही है ओके okay? अब सेलिंग कब होगी यहाँ पर सेलिंग के लिए ट्रेंड लाइन देखते हैं तो ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये यह आप देखिए ओके okay? अगर अब मार्केट यूएस मार्केट को फॉलो करती है और कल अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है गैप डाउन करती है कुछ भी करती है तो प्राइस यहाँ से क्या करेगी ब्रेक देगी पुल बैक पर हमें शॉर्ट की एंट्री मिलेगी और हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट करने वाले हैं इसको फर्स्ट टारगेट रखेंगे इसको सेकेंड रखेंगे एंड फर्दर तो ये तीन टारगेट्स से हमारे सेट हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से बाइंग विल बी ओनली अबव दिस लेवल यहाँ से हम बाइंग प्लान करेंगे और वो भी कब करेंगे बाइंग प्लान ये देखिए आप पंद्रह मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है और यहाँ पर एक सिमिलैरिटी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है प्राइस इस रेंज के ऊपर ओपन हुई एक छोटा पुल बैक दिया बट कोई कंटिन्यूश नहीं तो कल हमें क्या चाहिए प्राइस खुले ऊपर जाए पुल बैक दे घूमे और ऊपर निकले रेंज बना के तभी हम बाइंग करेंगे और इसको टारगेट रखेंगे बस इतना अपना काम रहेगा और कल मैं लाइव आऊँगा गाइज एट नाइन एम आज थोड़ा सा लेट हो गया था मैं ठीक है नाइन एम मैं लाइव आऊँगा कल क्योंकि मैं मेरा था कि प्री मार्केट भी थोड़ा सा हम कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा प्रेपरेशन अच्छी हो जाती है तब तो ये ज़रूर कर लेंगे हम लोग तो कल मैं लाइव आऊँगा तो आप ज़रूर आइएगा कल हम स्टॉक्स एंड आपका निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इनको कवर करने वाले हैं हम लोग कल एक बार मैं अभी सेंसेक्स भी कवर कर देता हूँ आप लोगों के लिए कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की तो सेंसेक्स भी कवर कर लेते हैं सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे सिमिलर है बिल्कुल निफ्टी की तरह ही चलता है सेंसेक्स तो सेंसेक्स निफ्टी सिमिलर बैंक एक्स बैंक निफ्टी सिमिलर और फिन निफ्टी ये सारे सिमिलर चलते हैं ओके okay. तो अगर आप यहाँ देखेंगे सबसे पहला ऊपर लेवल है एटी टू सिक्स फिफ्टी के पास का लेवल है मार्केट को उसको क्रॉस करना पड़ेगा उसके बाद ही यहाँ पर मूव आने वाला है उसके बाद सेकेंड लेवल आता है यहाँ पर ये है आपका मार्केट का एटी टू थ्री हंड्रेड के पास का लेवल है तीसरा लेवल क्या आता है तीसरा लेवल आता है सम वॉट अराउंड इधर इस जोन के पास दिस इज़ अ लेवल ये लेवल है तो मार्केट बेसिकली क्या है तीन जोन्स के पास है और अगर आप यहाँ पर चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे इधर से इधर काइंड ऑफ मार्केट ने क्या किया है इसको ब्रेक कर दिया है कल अगर प्राइस कल अगर प्राइस इसके नीचे खुलती है यहाँ पर तो यहाँ से ब्रेक होगा और मार्केट इस जोन को इस जोन को चेक करेगा ये मेरा सबसे हाई कन्विक्शन ट्रेड है ठीक है ये आप ध्यान रखिएगा सबसे हाई कन्विक्शन ट्रेड है मेरा ये और मैं आपको पैटर्न भी बता देता हूँ मार्केट कल क्या पैटर्न लेने वाली है कल मार्केट ने क्या करना है कल मार्केट क्या करेगी कल मार्केट ऐसे जाएगी छोटा सा पैटर्न और नीचे कम से कम यहाँ तक ये कल मार्केट ने पैटर्न लेना है सबसे हाई कन्वेक्शन पैटर्न होगा और एक पैटर्न क्या बनेगा प्राइस का प्राइस ऊपर जाएगी थोड़ा घूमेगी निकलेगी ठीक है मे बी यहाँ से एक बाय अपॉर्चुनिटी बनाएगी हमारे लिए टिल दिस लेवल ठीक है ना ये चीज़ होने वाली है तो हम लोग इसको समझ गए बात आप सबसे हाई कन्वेक्शन जो है आपकी वो इधर रहने वाली है मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ आपके लिए कल अगर ऊपर गई घूमी ऊपर ये रहने वाला है ठीक है इसमें मैं कन्वेक्शन थोड़ी कम है मेरी तो उसमें पचास परसेंट ट्रेड करूँगा इसमें पूरा हंड्रेड परसेंट ट्रेड करूँगा अगर कल डाउ जोन्स के हिसाब से मार्केट खुलती है मेरे को क्लोज़ के आसपास मिलती है मार्केट बहुत मजा आएगा बढ़िया शॉर्ट मिलेगा यहाँ पर ठीक है तो कन्वेक्शन हमारा ये रहने वाला है कल प्री मार्केट में भी आपको एक बार रिविजन करवा दूंगा तो मेक श्योर आप लोग आना ज़रूर ओके okay, अटेंडेंस जरूर लगाइएगा अपनी सो थैंक यू सो मच फॉर बींग अ लवली ऑडियंस एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन अगर वीडियो जेनवनली पसंद आई तो लाइक करिए शेयर करिए आप ही हमारी ऑडियंस हैं गाइज आप ही हमारी रीच बढ़ाएंगे तो अगर आपको कहीं से भी लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में आपकी ट्रेडिंग करियर में कुछ भी छोटे मोटे चेंजेस में मेरा हल्का फुल्का भी हाथ रहा है और मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो वीडियोस को लाइक करिए शेयर करिए इससे मुझे आगे मोटिवेशन मिलती है कि इससे भी बेटर वीडियोस मैं लेके आऊँ आप लोगों के लिए सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वन बाय